ना शेरी जैसा फील हो रहा है, पता नहीं इतना ज्यादा गर्मी है, हॉट हॉट हॉट, दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वी आर बाउंगर्स एंड दिस आवर न्यू वीडियो। एंड टुडे वी गोइंग टू लिसन हम नशे में तो नहीं बाय अरिजीत सिंह सर एंड तुलसी कुमार मैम। म्यूजिक कंपोज किया है प्रीतम दानी, लिरिक्स लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य सर ने, एंड यहाँ पे कोरियोग्राफर है विजय गांगुली सर। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि सब बंगाली लाइन में खड़े हैं, एक साथ डिस्क्रिप्शन में एक साथ सभी आके। हाँ, चलो आज कुछ आज कुछ तूफान लाते हैं, थोड़ा छोटू सा शौक थी। अब चलो देख लेते हैं, कियारा आडवाणी मैम है यहाँ पे एज अ लीड एक्टर एंड कार्तिक सर है यहाँ पे एज अ लीड एक्टर, बस देख लेते हैं। ओके सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। वो क्या टैटू क्या हुआ था या क्या था, कहाँ से यार, या फिर वो इयररिंग्स थे, ओ इयररिंग्स थे। जब से मुझको दिल मिली है तब से है बड़ी हैरतें। कहाँ पे देखा या पिछले वाले में था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेटिंग का काम ज्यादा किया हुआ है। कितने कमाल पे लग रहे हैं ना, अरिजीत ठाकुर। भूल भुलैया 2 मैंने जहाँ पे बोला था ना कि कहाँ का सीन है, तो वो मतलब मुझे बता ना इफ आई एम रॉन्ग और नॉट, मुझे ऐसा वाला लगा ना तेरा नाम धोखा रख दू ना, धोखा वाला जो सॉन्ग था ना वहाँ पे वो वाला सीन था, मुझे ऐसा लगा। वो मुझे यार याद नहीं है, सारे महल ना जब आप वीडियो में देखते थे एक ही लगते लगते हैं आपको, अगर मतलब अलग दिखाना है तो आपको उनके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि कैसा था वो भी डिटेल में, डिटेल में। हाँ वो उसे मगर मुझे वैसा वाला लगा, आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा। ओके ओके बस गाने के बारे में बात करते हैं यार, यार दोनों बहुत ही एक साथ कमाल के लग रहे थे और विजुअल्स बहुत कमाल के थे एंड उन्होंने प्लेसेस इतने तगड़े चूज़ किया ना। और लिटरली मैंने जब स्टार्ट किया ना, क्योंकि हमने गर्मी बोल के स्टार्ट किया था और वहाँ पर वो डिजर्ट के ऊपर जाके शूट कर रहे थे, तो मुझे ना उनकी मतलब दशा याद आ रही थी कि क्या हो रहा होगा उनपे, क्या बीत रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा या क्योंकि इतने से गर्मी में ही हम ऐसे हो रहे हैं, तो वहां पर तो उनको पूरा शूट करना पड़ा था। एंड बोथ ऑफ देयर लुक वेर स्टनिंग, जिन्होंने भी उनका ड्रेस सब कॉस्ट्यूम डिजाइन किया मेकअप से लेके सब कुछ वॉज ऑन स्पॉट लग रहा था, तो यार बहुत ही ज्यादा सुपर्ब वाला एक्सपीरियंस था। एंड मुझे ना ये देखकर वो याद आया था वो वन में जो था ना भूल भुलैया में लबो को बोल के एक रोमांटिक सॉन्ग था, तो मुझे वो वाला याद आ रहा है अभी। एंड ऑब्वियसली लिरिक्स आर सुपर्ब ओपी। यहाँ पे तुलसी कुमार मैम का पार्ट थोड़ा सा मुझे कम लगा,
अगर हम अरिजीत सिंह सर के साथ कंपेयर करें, बट गाना भी बहुत ही छोटा था ना, 2 मिनट्स एंड समथिंग सेकेंड्स का था, तो उसमें हाँ तो हम उससे उतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनका पार्ट ज्यादा होगा, बट मगर पार्ट की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे गाना सुनने की एंड इमोशन को फील करने की बात है. एंड वी डोंट रियली फील दैट नाउ, होप यू गाइस आल्सो लव दैट, बिकॉज़ कि यार अरिजीत सिंह ने क्या कमाल गाया है, क्या दोनों नहीं यार, बट बोथ ऑफ देम आर वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, क्योंकि बहुत सारे गाने उनके, मतलब अरिजीत सिंह सर को छोड़ के बोल रहे हो तो तुलसी कुमार मैम के भी बहुत सारे गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड पुराने गाने ऑब्वियसली, बट आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड अबाउट अरिजीत सर, आई नो. तो वही बोल रही थी मैं, होप यू गाइस आल्सो लव दैट रिएक्शन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर द एंड. एंड इफ यू हैवंट लिसनड दिस येट, यार आज हमने थोड़ा ज्यादा फास्ट सुन लिया ना, तो आप लोग जाके सुन लेना, वी आर गोइंग टू ड्रॉप डाउन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिव अस अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड ड्रॉप डाउन योर रिकमेंडेशंस फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग. बाय वुमन, बाय.